खुशबू आने लगी गाड़ी की। कुछ खतरनाक चीजें पीछे ही बैठी। मैं भी पहली बार आ रही हूँ, फॉलो मी। हर जगह बेइज्जती कराते हो। एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कल रात से यहाँ पे बहुत तेज बारिश है, बहुत ज्यादा, और इतनी जोर की बिजली कड़की थी ना, मैं क्या ही बताऊँ, पूरा मकान हिल गया था। तो आज जो हमारा सफर जा रहा है वो जा रहा है गंगोली हाट की तरफ। कृतिका सभी जानते हैं उसको, बादल नाम से ज्यादा जानते हैं। तो हम लोग आज उसके घर जा रहे हैं। बीच में पूजा उजा के चक्कर में तो नहीं हो पा रहा था, तो फिर मैंने सोचा था मन में कि हाँ, ये सेकेंड टाइम आएंगे तो पक्का जाएंगे। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं, और किशोर, मैं, गौरव और नीलम को लेके जा रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा सफर रहता है। फिर वहाँ पे मंदिर भी है हाट काली का, तो हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे। आगे हमारी नंद इसको भी हम घसीट रहे हैं अपने साथ। तो देखते हैं कैसा रहता है सफर, क्योंकि रास्ते में एक दो जगह रोड ब्लॉक भी हो रखी है। और अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं, बारिश रुकी हुई है। हाँ, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे पिस लगे ना, सीधे पीछे जाओ, फिर ओ नो बन जाएगा। रास्ते दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे स्ट्रगल करके हम जा रहे हैं, बेचारे मासूम बच्चे। ये देखो, कचार पट्ट है रहे यहाँ। सुबह बारिश की वजह से सूखा हुआ है ये पूरा, मतलब धुला हुआ है, सॉरी, सूखा नहीं। नीलम कह रही है भाभी यहाँ पे ब्लॉगिंग मत करो, बल फिसलोगे तो नीचे ही जाओगे। चप्पल भी ऐसे हो रहे यार नीलू मेरे। ये रहा, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ ना, आज फर्स्ट टाइम उसके घर जा रही हूँ। देखो कितना सुंदर लग रहा है इधर, पूरा बारिश से ऐसा पूरा मौसम धुल चुका है अच्छे से, और बढ़िया सा लग रहा है एकदम। नीलू को अभी से खुशबू आने लगी गाड़ी की, गाड़ी के नाम पे, गाड़ी के नाम पे हमें खुशबू आ जाती है, फिर वो खुशबू से नहीं हो पाती। और हम निकल पड़े हैं गंगोली हाट की ओर। जब से आए हैं बढ़िया ही मौसम है। वाओ, आखिरी वाली आवाज सुनाओ ना, महांग राजा। वाओ, अब आपको बताएंगे यूट्यूब पर कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। बढ़िया मौसम हो रहा है, मजा ही आ गया। बादल, तेरे से मिलने के लिए कितनी कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए आ रहे हम। कितना खतरनाक हो रखा है रात की बारिश का कमाल। परसों से अच्छी हो रही है, गड्ढा भरा है ना वो। आज में क्या बोलते हो, मोहल्ली खेचूंगी ना तुझे वहाँ जाके। मैं कैसे बैठे दोनों दमले दमले पीछे। एक पेड़ सही दूर का है बेचारा, इतनी आग वही तो क्या ही पता चल रहा है। तुम्हारी जैसे होंगे जिनको पता ही नहीं चल रहा होगा। ये कितना खतरनाक हो रखा है रोड में। गाड़ी धुला लेने का धुला सकते हो, बिल्कुल ऐसा खतरनाक झरना, काली ताल का जैसा भाई साहब। ये तो देखो खतरनाक रखा है। और ये आया हमारा चाय गार्डन, कौन सी जगह है ये बताओ ना। होली के फेवरेट सॉन्ग गाड़ी में बजते हैं। गौरव रिसोर्ट में फाइनली हम लोग चौपड़ी पहुंच चुके हैं। इतना खतरनाक मौसम हो रहा है इधर, देखो कोहरा ही कोहरा छाया इस रास्ते में। खतरनाक पीछे देखो, कुछ खतरनाक चीजें पीछे ही बैठी है। और हम पहुंचे अरबेरीनाथ, पहुंच चुके हैं निशुली के गांव पे। ये निशुली रोडों को क्या हो रखा है। ये शाह भोजनालय जहाँ हमने मंसाहारी जाते हुए खाया था, हम नीचे से आए थे ना तब याद नहीं आ रहा था। आगर गंगोली हाट ऊपर अंकल ने बोल ढक दिया है यहाँ पे दुकान खोल के। राई आगर से जब ऊपर को निकले तो काफी जगह, मतलब रोड बेकार हो रही थी बहुत ज्यादा। पहले भी हो रही थी लेकिन थोड़ा बहुत सही थी, क्योंकि बारिश भी हुई थी तो इस वजह से भी बहुत बेकार हालत थी रोड की। और रास्ते में बहुत सारी जगह पे रोड बनने की तैयारी भी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थैंक गॉड कभी तो सही होगी ये रोड। जय माता दी, जय माता दी।
बस 14 किलोमीटर बचा है गंगोली हाट। यहाँ से जाता है पाताल भुवनेश्वर के लिए रास्ता 8 किलोमीटर अंदर, और हमें यहाँ से जाना है 4 किलोमीटर बचा बस। लोहाघाट 65 किलोमीटर। जो मैंने कब से लोहाघाट का नाम देखा। फाइनली हम लोग पहुंच गए गंगोली हाट। अब जो आपको सामने गेट दिख रहा है ये जाता है सीधे हाट कालिका मंदिर की ओर, तो इधर को मुड़ते हैं। तो गौरव लोग बता रहे थे कि जो सामने एक और गेट दिख रहा है ना, पहले वो था, ये जो बड़ा गेट है ये बाद में बना। फाइनली हम लोग पहुंच गए हाट कालिका मंदिर। यहाँ पे शॉप्स हैं, अगर आप लोग जैसे कुछ सामान वगैरह लेना चाहते हैं तो पूरे मंदिर की शॉप्स बनी हुई है। और यहाँ से नीचे को रास्ता है, इधर से हाट कालिका मंदिर स्टार्ट हो जाएगा। तो नीलू और मैं अभी सामान ले रहे थे, उसके बाद चलते हैं सीधे नीचे को। पार्किंग वगैरह का भी ऐसे फील्ड्स बने हुए ऊपर और नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये रहा गेट हाट कालिका मंदिर का, जो एंट्री गेट है, और यहाँ से पूरा रास्ता पूरा देवदार से ढका हुआ है एरिया, जंगल पूरा। पूरी घंटियां लगी हैं इधर। बड़ी बड़ी बकरियां हैं ये, वही तो। वो कह रहे बहुत बजाया वो लोग, तो क्या चप्पल कहाँ उतारने, नंगे पैर यहीं से चले, यहीं उतारने शायद, यहीं साइड में उतार देते। गंगोली हाट का, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये है पूरा मंदिर, जो मेन मंदिर है, और ये पूरा एरिया है इधर का। मैं भी यहाँ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ एक्चुअली। और तो अब हम लोग करेंगे मंदिर के दर्शन। मैं भी पहली बार आ रही हूँ, फॉलो मी। मेन मंदिर नहीं। 3 घुमाओ 5 घुमाओ। जो मेन मंदिर है वो यही है। की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, खाली बूंदाबांदी, और हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं। वो बहुत ही सुंदर एरिया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। जो मेन मंदिर है वो तो बहुत खूबसूरत है, ये पूरा एरिया ही बहुत अच्छा है। और कुमाऊँ रेजिमेंट के द्वारा मेरे ख्याल से इनकी बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उन लोगों ने ये सारी बेल वगैरह चढ़ा रखी है कि ये 5 कुमाऊँ रेजिमेंट और ये 3rd वाली। तो ये जो पूरा एरिया है बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, गौरव लोग आई थिंक पहले आए हैं, नीलू भी पहली बार आई है। काफी बढ़िया है जगह, और दर्शन के बाद हम लोग जाएंगे कृतिका के वहाँ। बादल कृतिका निकलता नहीं है ना मुँह से, तो ये इसका बैक साइड का गेट है, जैसे उधर से एंट्री करी तो फिर यहाँ से निकलते हैं। और एक मंदिर यहाँ पे भी है पीछे, तो अभी बस निकलते हैं। हम लोग ने दर्शन कर लिए, प्रसाद ले लिया, अब हम लोग घर की ओर निकलते हैं। नीलू गिरती नीचे सिर्फ 3 और 5 ही है, तो हमें 8 कुमाऊँ रेजिमेंट में मिल गया है। उन्होंने यहाँ पे, इसने प्लस कर लिया था कि 5 और 3 8 ये 8 कुमाऊँ वालों का है।
इन्होंने यहाँ पे चप्पल वगैरह उतारने की व्यवस्था कर रखी है, जैसे नीचे घंटियाँ चढ़ाई थी वैसे ही। ये पूरा आर्मी बेस्ड है, मतलब यहाँ पे काफी मान्यता है इस मंदिर की, वो 17 कुमाऊं रेजिमेंट। चले। और यहाँ पे खाने वाने की तैयारी हो रही है, जैसे कभी मंदिर में भंडारा वगैरह होता है, भोग का खाना बनता है, वो सब चीज है। निकल गए यहाँ से, ये रही गंगोली हाट की बाजार। भाई साहब ये भी बुरा अल्मोड़ा ही हो रहा है। अब हम जाएंगे बादल के यहाँ को जाएगा। ये है शाह टूरिस्ट लॉज, यही है शायद। मैंने वो पहचाना, पहुँच गए फाइनली। आंटी मेरी और आंटी की मुलाकात दिखाना। कैसे हो? तीन बार करते ठीक हो? चलो पहुंच गए। इसे आते ही देखो, इसको कब्जा देखो इसका सीट में। ये देखो हमारे बैग पूरे गीले हो रहे थे, तो पता चला कि पूरी डिग्गी उसकी भरी हुई है पानी से। अभी दिखाती हूँ मैं। गौरव महाराज गए इधर, दिखाओ। ओ भाई साहब, इस वजह से तो ऊपर कैसे गीला हुआ ये? ये पानी जा जाके इतनी बारिश हुई है कल रात की, ये पूरा भर गया है। बताओ अब साफ करेंगे दोनों भाई, दोनों भाई मिलके। देखो आंटी ने कितना मस्त पुलाव बनाया है। मौसम हो गया बहुत ही खराब सा। और आंटी के फूल देखो, आंटी का बरामदा, ओ मेरा फेवरेट फूल। अरे पूरा एरिया यहाँ से ऊपर छत में जाने का रास्ता। ओह ये वाला मैंने कब से देखा, ये पहले मैं लोहाघाट रहते थे तो वहाँ पे ज़्यादा दिखते थे वाले फूल, अच्छे लगते हैं। अभी हम सनील वाले फूल बोलते थे इनको। वो देखो मेरा अपन वाला भी लगा है। ये रही गंगोली हाट की मार्केट। अब हम निकले घूमने बादल और मैं, इनको भी लेके आए साथ में। ये सक्केशोर को दिखानी है समोसे की दुकान, और उसे देख ली है। हाँ वो पूरा छान मारा होगा उसने। ये यहाँ से पड़ी है तू? तारा चाची ने चाउमीन सेंटर खोल रखा है, बताओ। फिर ऐसा महंगी सब्जी। अब हम वापस जा रहे हैं, हमें मोमो नहीं मिले इसकी वजह से। ये वो देखो, इस आदमी को देखो, वहाँ समोसे पे टूट पड़ा है। ये रहे तो रहे भुक्कड़ कहीं के। ये देखो कैसे हैं, कहाँ मंदिर जा रहे थे तुम? मैंने 10 समोसे पैक करा लिए, ये खाओगे? ये नहीं खाएंगे, ये रहा इनका होटल। अच्छा सीधे सीधे जाके पूरा देखते हैं मार्केट, फिर हम समोसे पैक करा लिए, फिर सब्जी लेते हैं घर को चले जाएंगे। मोमो की शॉप मिल गई हमको। ये दिल बना है बेचारे टेढ़ा मेढ़ा अभी हो गया ये, लेकिन थोड़ा छत पक्की कर देते तो इतना वो नहीं करना पड़ता ना। फील नहीं आती ना पक्की कर देते तो। नहीं ये वाला फील नहीं आती ना, थोड़ा सा टाइल साइज लगा देते। ये देख हम लोग आते ही तो फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। भैया ने पूरा सेटिंग का यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा भीग गया है। बम्बू लगा रखे हैं इसमें, तो मोमो पैक कराने के लिए कह दिया। उसके बाद हम लोग घूमेंगे ऐसे हालत दूर सुबह से। अभी मुंह धोया, टीके का कलर भी नहीं निकला है। पूरा बादल का स्कूल, जहाँ से बादल ने अपनी शिक्षा पूरी करी है। ये वो नीचे पहुंचे हैं उधर, वो दिख गए मुझे। बोला मैंने होटल दिखेगा। अच्छा ये वाला, मैं तो इसको कहीं इधर साइड सोच रही थी, उसको मैं दिख गई। ठीक है मोटे मोटे दौड़े दौड़ेंगे थोड़ा। ये किसी दौड़ लगा रखी है वो, ये वहीं से आवाज आ रही है, आओ भाग के आओ। और ये बेवकूफ, मुझे लगा इन्होंने छत से मुझे देख लिया है और ये जो नया होटल खुला है वहां घुस गए हैं। अब पता नहीं अंदर ये ने कह दे 3 प्राणी आए थे और हमें छत पे जाना है।
क्योंकि कोई मोमो की शॉप तो है नहीं। आगे आगे नीलू या ऊपर जी यार हर जगह बेइज्जती कराते हो, ऊपर आओ चुपचाप बेशरम। मुझे लगा तुमने वहां से मुझे देख लिया है सही वहां क्या कहा है नीलू, नीलू वहां क्या कहा वहाँ गए हमने आपको देखा नहीं, हम बाहर आ गए। वो बोले भाई साहब आप आके सीधे चले गए ना होटल बुक इनको ना बताने नहीं बताया कहाँ है फूलों की माला के नहीं फूलों की माला के सामने कहा था तो ये सामने फूलों के ये आपके यूट्यूबर का हाल है। ये फूलों की माला का होटल है और ये उसके सामने होता है, वो सामने नहीं होता, ये होता है सामने। फिर उसके बाद ऐसे मुंह छुपाते हैं। मैंने सही बताया है। मुझे लगा तुमने वहां से मुझे इनका सामने देखो, वो फूलों की माला का होटल है उसके सामने वो ना होके ये होता है यहाँ पे मतलब बगल में आगे वाला होता है। ये बादल ने पड़ा है इधर और इस फील्ड में दौड़ लगाती थी, नहीं वहाँ पड़ती थी वो वाली फील्ड में दौड़ती थी उधर से उधर उधर दौड़ दौड़ के बेचारी दौड़ दौड़ के पतली हो गई। और हमारे मोमो आ गए फाइनली। हाँ हाँ बैठ जा, गीली हो जाती, कोई नहीं। मम्मी चूज करेगी मिठाई, कह रही मैं मिठाई खा के रहूंगी। आंटी को मना कर देना यार, देख कितना ठूस रहे इधर। गरिमा ब्यूटी पार्लर जहाँ हम किशोर का मेकअप करेंगे। कौन सा मंदिर हो, मंदिर का नाम हनुमान मंदिर। अच्छा यहाँ से पूरा व्यू दिखता है बोल। और ये पूरा गांव का एरिया। चलना ऊपर। अब हम वापस जा रहे हैं, घूम लिए। भैया बोल रहे 50 साल से पुराना घर है ये लगभग, और इतने छोटे छोटे पत्थर है इसके, और दरवाजे भी देखो इतना छुटकू सा दरवाजा है, खिड़कियाँ भी। हाँ छत से पूरा व्यू दिखता है, लेकिन बैड लक, कोहरा इतना उड़ रहा है। हमारा चल रहा है काम, यहाँ देखो मौज चाची, मौज देखो मौज। जब से आई है ये सोफा संभाल रखा है, और यहाँ ये पता नहीं रामायण जैसा क्या देख रही है। आंटी ने तो मजेदार खाना बनाया अभी हमारे लिए, कस्टर्ड राजमा और लौकी, मस्त यम यम यम। सुबह सुबह उठ के देखो इनको नाश्ता पानी कैसे मस्त हो रखे हैं, और मैं तो सोई ही नहीं हूँ, ये भी नहीं सोई। हालत देखो हालत देखो, मन कर रहा है खा नहीं पा रही हूँ। हो गया मेरी विदाई का, कपड़े भी नहीं बदले मैंने, रात के कपड़ों में जा रही हूँ घर को, जैसे मैं हर जगह पहुंच रहती हूँ। और रात भर बादल ने मुझे सोने भी नहीं दिया है, क्योंकि इसने इतनी गप्पे मारी, सुबह 4 बजे तक हम उठे ही थे। टाइम हो गया आंटी को बाय बाय करने का, आंटी बाय बाय, अब आएंगे हम अच्छे उसमें। और आंटी ने इतनी खातिरदारी करी आंटी का, फिर भी मन नहीं भर रखा है, तो मैंने कहा आराम से आएंगे तब बनाना 56 होगा। अभी भी 56 से कम नहीं बनाए थे, लेकिन इनको तसल्ली नहीं हो रखी है। ये 56 कहते हैं चल, अभी इनके हिसाब से 23 ही बनाए थे, अब 56 बनाऊंगी। बाय 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 आंटी बाय। अब हम लोग निकल रहे हैं बागेश्वर के लिए। अरे अपना गांव घास कह दे रहे यार। यहाँ पे हम लोग रुक गए थोड़ा सा आगे जाके, इतना सुंदर हो रहा है, इतना सुंदर, वाव। पूरा कोहरा कोहरा, कैसे भौंकने में लगे हैं। तो जैसे ही हम गंगोली हाट से अपने गांव के लिए निकले, सुरकाली गांव के लिए, तो रास्ते में बहुत सुंदर सीन लग रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से जो कोहरा है और जो मौसम है ना, वो अलग ही अंदाज में उमड़ के आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम। तो जैसे ही हम लोग गाँव पर पहुँचे, तो वहाँ पता चला कि लाइट तो है ही नहीं, और फिर हमें आनन फानन मतलब जल्दीबाजी में हमें बागेश्वर के लिए निकलना पड़ा। तो उस दिन गाँव में रुपाई भी होनी थी और हमने वो मिस कर दिया, और मेरा इतना मन था वो देखने का, और लेकिन लाइट की वजह से हमको बागेश्वर जाना पड़ा और वो चीज़ पूरी मिस हो गई, और मैं उसका ब्लॉग भी नहीं बना पाई। जैसे हम बागेश्वर को निकल रहे थे, तो रास्ते में जो रोडों की हालत है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी बेकार हालत थी रोडों की, कहीं कहीं पे तो बहुत ही बेकार थी। गाड़ी फंसते फंसते कितनी बार किशोर ने निकाल रखी है, मतलब बच गए, वरना फंसते तो पता नहीं कितना टाइम लगता। और क्योंकि हमें टाइम से पहुँचना भी था, ऑफिस का टाइम भी हो रहा था, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी।
उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ पे तो बिल्कुल रोड बन ही गई है।